हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन सीटेट सीरीज डे 5। तो हम दो टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन निकालने का, मूलधन गुणा एक धन दर बट्टे 100 की पावर समय। अब जो इसको अगर हम शॉर्ट में याद करना चाहें तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। टी हमारा समय होता है यहाँ पे, और पी प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले से हमारे इसमें सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। अगर कहीं पे हमें खाली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहे तो वहां पे हम ए माइनस पी से अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे निकाल सकते हैं। मैं सीधे क्वेश्चंस से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन है, 1500 का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें हमारा जो मूलधन है वो दे रखा है 1500 रुपये। अब हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मूलधन हमें जो इसमें दे रखा है वो दिया है 1500, और जो समय दर है वो है हमारा 4%, और टाइम क्या है 2 वर्ष। समय हमारा 2 वर्ष हो गया, दर है 4%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मिश्र धन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया, मूल धन 1 + दर/100 पावर समय। मूलधन क्या है 1500, 1 + दर कितना है 4/100, और समय है 2 वर्ष। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1500 गुणा एक धन 1/25 2। अब ये 1500 इंटू एलसीएम आएगा 25, और ये 25 + 1, यहां से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसका पावर है स्क्वायर 1500 इंटू 26 इंटू 26। अभी स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 25 इंटू 25। अब क्या आएगा, 1500 26 इंटू 26 में 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, और ये 625। अब किससे कैंसिल कर रहे हैं इसको, 25 से हो सकता है 60, और ये 25, फिर 5 से हो सकता है 12, और ये 5। तो अब हमारे पास जो आएगा हमारा मिश्रधन यहाँ पे आएगा 12 × 676/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 676/5। हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2.4। तो 2.4 को आप 676 से मल्टीप्लाई कर लो मिश्रधन। तो मिश्रधन हमारा होगा 676 × 2.4, 4 × 6 = 24, 3। ट्वेल्व पॉइंट फोर। तो इतना हमारा मिश्र धन निकल के आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, हमें अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमारा मिश्र धन में से मूलधन को हटा के निकलता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन यहाँ पे है हमारा 1612.4, और मूलधन है 1500। इसमें से हम 1500 माइनस करेंगे तो आएगा, 1500 माइनस करते हैं इसमें से, 4 − 0 = 4, 2 − 0 = 2, 1, 6 − 5 = 1, 112.4 रुपये, 112.4 रुपये ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं एक दिन में कवर नहीं कर सकता हूँ। इसपे 3 या 4 दिन की लगातार वीडियोस बनेंगी, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, और अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिल रही हो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।